शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने दुर्ग नगर निगम अपनी कोशिश दरकिनार कर शहर के मध्य दुर्ग नगर निगम द्वारा संचालित SLRM सेंटर में फैले कचरों से निकलने वाले जहरीले धुएं को नजरअंदाज कर स्वच्छता में नंबर वन आने के दौड़ में लगा हुआ है। इसका खामियाजा इस स्थान से गुजरने वाले शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। दुर्ग नगर निगम द्वारा पूरे प्रदेश में स्वच्छता में नंबर वन आने की कवायद की जा रही है, जिसके चलते नगर निगम विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने अपना समय व्यतीत कर रहा है। इसी कड़ी में शहर के मध्य स्थल सिविल लाइन चौक पर बने SLRM सेंटर में फैले बदबूदार कचरों और जलते हुए कचरों से निकलने वाली जहरीले धुएं को नजरअंदाज कर शहर की जनता और इस मार्ग से गुजरने वाले शहरवासियों की परेशानियों का कारण बने हुए हैं, जिसकी अनदेखी के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में पार्षद शिवेंद्र परिहार ने प्रतिक्रिया दी। वहाँ से गुजरना मुश्किल हो रहा है। हम लोग भी जब निगम कार्यालय जाते हैं, शहर के अन्य लोग जब वहाँ से गुजरते हैं, उनका दम घुटने लगता है। जिस तरह की अव्यवस्था वहाँ फैली हुई है, SLRM सेंटर का मतलब है कि गीला कचरा और सूखे कचरे को अलग अलग करके उसका निष्पादन करना। लेकिन निष्पादन करना तो दूर, ऐसी भी जानकारी मिली कि वहाँ आग लगाई जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण के हिसाब से जितना नुकसानदायक वो कचरा नहीं है, उससे ज़्यादा नुकसान वो धुआँ आसपास के लोगों को प्रभावित कर रहा है। पर्यावरण विभाग से टोटल इस तरह के कार्य प्रतिबंधित हैं। मेरे नज़र में नगर निगम प्रशासन की अनियमितता है और लोगों के जान के साथ खिलवाड़ है। शहर में, संपूर्ण शहर में ये आलम देखने को मिलता है। वार्डों में कर्मचारी झाड़ू लगाकर कचड़े को इकट्ठा करके उसको उठाने के बजाय उस पर आग लगाकर उसका निष्पादन करने का प्रयास करते हैं, जो कि टोटल ही अनैतिक कार्य है। उस धुएं से बुजुर्ग, बच्चे और खासकर जो दमा और हार्ट के पेशेंट, उनके साथ कितनी तकलीफ होती, इसका एहसास निगम प्रशासन को नहीं है। माननीय विधायक महोदय, माननीय महापौर महोदय शहर में भ्रमण करके फोटो जरूर खिंचवाते रहते हैं, लेकिन उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाता है कि इस तरह के कार्यों से आम लोगों के जीवन पर, उनके स्वास्थ्य पर कैसा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। लाख प्रयास के बाद भी इस तरह के कृत्यों पर ये रोक नहीं लगा पा रहे हैं। अभी सर्वेक्षण होना है, शहर का सर्वेक्षण होना है। पूरे शहर भर में कचड़े पटे पड़े हैं और उसका निष्पादन करने की बजाय जगह जगह उस पर आग लगाई जा रही है। ये एकमात्र SLRM सेंटर नहीं है, शहर के हर स्थानों पर कचड़ा उठाने की बजाय, उसका निष्पादन करने की बजाय उसको आग लगाकर वहाँ ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।